गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय लक्ष्मी फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न माई फैमिली। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली। हेयर इज अ बिग फैमिलीज पिक्चर। ओके, लुक हेयर, हेयर आर वेरी मेम्बर्स। ओके, grandmother, grandfather, father, mother, aunt, uncle, sister, brother, cousin and Neha. This is Neha's family. इसमें आपको दिख रहा है ना कितने सारे लोग हैं, grandmother, grandfather, father, mother, uncle, aunt, sister, brother and कज़िन। इसका मतलब है यहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। जहाँ पे जब बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो ये इन इन यहाँ पे कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे रेस्पेक्ट एल्डर्स। आपको जितने बड़े हैं आपको उनको रेस्पेक्ट करना है। जैसे मॉर्निंग होती है ना, तो सबको गुड मॉर्निंग सबको बोलना है। हेल्प ईच अदर, यानी कि आपको सबकी हेल्प भी करनी है। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है तो आप उसको मना नहीं करना है, आपको उसकी हेल्प करनी है। और शेयरिंग थिंग्स, जैसे अगर आपके पास कोई भी चीज़ है या कोई टॉय है आपके पास, तो उसको शेयर करना है अपने कज़न ब्रदर एंड रियल ब्रदर एंड अन्य मेंबर्स जो होते हैं फैमिली में उनके साथ। अगर आपके पास कोई खाने की चीज़ आ जाती है तो आपको उसे भी शेयर करके खाना है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। और अपनी क्लीनिंग भी खुद करनी होती है ना। इन सब से क्या होता है, सब एक दूसरे से रेस्पेक्ट करते हैं और बहुत लव करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं। सेकंड फैमिली हमारी जो होती है, इसको कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। ये जो बिग फैमिली होती है ना, इसको ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। सेकेंड हमारी फैमिली जो होती है वो होती है सिंगल फैमिली। लुक हेयर, सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली में क्या होता है, कौन कौन होता है? यस, सिंगल फैमिली में आप फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। ये सिट की फैमिली है, सिट्स फैमिली है। ये स्मॉल है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर लोग हैं, फाइव भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब क्या होते हैं, सिंगल फैमिली में सिर्फ वन फैमिली रहती है। यानी सिर्फ मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर रहते हैं और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर लोग नहीं होते हैं इसमें। इसमें भी आप लोगों को कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सेल्फ डू योर वर्क, आपको अपना काम खुद करना होता है। क्योंकि अब मम्मी पापा सारे काम तो आपके नहीं कर सकते ना। जैसे आपको स्कूल के लिए रेडी होना है तो थोड़ा तो मम्मी कर देती हैं, थोड़ा आपको खुद होना पड़ता है ना। और आप अपनी अपने जो भी आपके पास थिंग्स है उसे भी शेयर करना होता है एंड हेल्प भी करना होता है मम्मी की, और क्लीनिंग करनी होती है और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना होता है। ठीक है, आपको हेल्प तो मिल जाती है थोड़ी सी, लेकिन आपको बहुत सारे वर्क खुद से करने होते हैं। ओके, हेयर इज अ वर्कशीट फॉर यू। यस, सर्किल द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं उसको सर्किल बनाना है। देखिए यहाँ पे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, सिस्टर, ब्रदर, कज़िन, ये पिक्चर्स दी हुई हैं। अब जो लोग भी आपकी फैमिली में हैं उनमें सर्किल बनाना है और आपको लिखना है कि आपकी ज्वाइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।